गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 8। हमारा टॉपिक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम अंडर कॉलोनियल रूल। आज हम इस चैप्टर में इन पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है आपका प्रो स्टेटरी प्रोविजन, वैधानिक प्रावधान के द्वारा, ठीक है ना। कुछ वैधानिक प्रावधान थे, उसके द्वारा किस प्रकार से शिक्षा जो है, शिक्षा के कुछ नियम कानून बने थे, जिसमें पहला आपका है चार्टर एक्ट ऑफ 1830। चार्टर में क्या हुआ था, इसमें क्या था, मेड EEIC रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रिस्पॉन्सिबल थी भारतीय शिक्षा के प्रति। अलॉटेड एन सम ऑफ द 1 लाख रुपीज ईच फॉर दिस। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, 1 लाख रुपीज जो है पर ईयर उन्होंने आवंटित किए थे। लेड टू द सेटिंग ऑफ द मिशनरी स्कूल, मिशनरी स्कूल की स्थापना के नेतृत्व के लिए। अगला है आपका द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835। इस एक्ट के अनुसार क्या था, मेड इंडिया द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस जो थे वो बनाए थे। स्टॉप्ड प्रमोशन ऑफ द ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन, जितने पुराने जितने भी थे इंस्टीट्यूशंस उनको रोक दिया गया था शिक्षा वाले। अगला है वुड्स डिस्पैच 1854। इसके अंतर्गत जो नियम थे वो क्या, वो उसमें क्या हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्णाकुलम प्राइमरी स्कूल। इसके अंतर्गत जो है वो स्थानीय भाषा के प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की गई थी। इंग्लिश मीडियम कॉलेज बनाए गए थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया था, ठीक है ना। इंग्लिश ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस थे, टेक्निकल एजुकेशन थी, यूनिवर्सिटीज थी बॉम्बे में बनाई गई थी, मद्रास में एंड कलकत्ता में। ग्रांट टू द प्राइवेट स्कूल्स, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको अनुदान दिया गया था। इनकरेजमेंट ऑफ द वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, और भारत में जो वुमेन्स शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया था। अगला है थ्रू चेंजेस इन द पाठशाला में जो पाठशाला द्वारा कौन कौन से चेंजेस हुए थे। देखिए उसमें सुपरविजन बाय द गवर्नमेंट पंडित, जो गवर्नमेंट पंडित थे उनके द्वारा सुपरविजन होता था। रेगुलर टाइम टेबल बनाया गया। टीचिंग बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक्स, जो सिलेबस था वो टेक्स्ट बुक्स के अनुसार, जो टीचिंग होती थी वो टेक्स्ट बुक्स के अनुसार होती थी। सिस्टम ऑफ द एनुअल एग्जामिनेशन की जो है वो सिस्टम बनाया गया। और पीरियडिक रिपोर्ट्स बाय टीचर्स, और जो टीचर्स थे वो मंथली जो क्या बनाते थे, रिपोर्ट्स बना करके देते थे, पीरियडिक बना करके देते थे, ठीक है। अगला है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अगला है आपका नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर और उन्होंने अपनी शिक्षा के प्रति क्या योगदान दिए। देखिए उनकी क्या थी, एम ऑफ द ब्रिंग एजुकेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियंस, स्प्रेड द लर्निंग ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर। जो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था उसके अनुसार उसमें क्या था, इंडियंस की कंट्रोल जो शिक्षा थी उनको, उसका मेन उद्देश्य था कि वो इंडियंस के द्वारा ही कंट्रोल में रहे, ठीक है। स्प्रेड द लर्निंग ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन एंड द कल्चर, और जो उनके रीति रिवाज थे, उनके जो भी कल्चर्स थे उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वो फोकस करते थे। मॉडर्न डेवलपमेंट, आधुनिक विकास पर उन्होंने ध्यान दिया, ठीक है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ओन लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज, और जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी थी उन्होंने उसको इसको ज़्यादा प्रमोट किया कि वो अपनी भाषा में होनी चाहिए। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, एजुकेशन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द फ्री एनवायरनमेंट टू सीक एजुकेशन लर्निंग इन द नेशनल सराउंडिंग द क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन। शिक्षा की तलाश के लिए मुक्त वातावरण के सिद्धांतों पर शिक्षा होनी चाहिए। प्राकृतिक परिवेश और रचनात्मक आत्म व्यक्ति में सीखने की जो शिक्षा है वो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। अगला फिर गांधी ने शिक्षा के बारे में क्या किया है, एजुकेशन फॉर द हिस्टोरिक डेवलपमेंट, जो शिक्षा होनी जो समग्र विकास के लिए शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। इंडिकेशन एजुकेशन स्वदेशी शिक्षा होनी चाहिए, एजुकेशन बेस्ड ऑन द लर्निंग हैंडीक्राफ्ट, जो हस्तकला पर जो शिक्षा है वो हस्तकला पर आधारित होनी चाहिए। तो आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो, ओके क्लास। थैंक यू।